आज मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, हुजूर की इज्जत पे हर्फ आया, लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। बड़े बड़े इलाकों में जिन्हें लोग रहनुमा और लीडर और न जाने क्या क्या कहते थे, वो इतना भी ना कर सके कि एक ज्ञापन लेके मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए थाने में चले जाते और जाके कम से कम अपना जो है जो गुस्सा था वो इजहार कर देते कि हम ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। मेरी कौम के लोग इतना भी ना कर सके। मैं कहता हूँ हुजूर के नाम पर मरने मिटने का ऐलान करने वालों, याद रखो जबानी तौर पर कहते रहोगे अल्लाह की इज्जत की कसम ये जुमले काम नहीं आएंगे, इसलिए कि मैं जुमले मान लूंगा, लेकिन तुम जिस रसूल से अहदे वफा की बात करते हो उस रसूल की शान ये है, और कोई गैर क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, खुदा ने उस महबूब को वो नजर अता फरमाई है। बुखारी की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अकीमू सुफूफकुम फइन्नी लअराकुम खल्फ ज़हरी, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा नमाज के वक्त में सफों को दुरुस्त कर लिया करो, इसलिए कि मेरी शान ये है मैं जैसा आगे देखता हूं वैसा पीठ के पीछे भी देखता हूं। किससे कह रहे हो आप? हम हाजिर हैं, हाजिर हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों कहां हो, कहां हाजिर हो आप? अगर आप हाजिर हो तो ये शराब के ठेके पे बैठने वाले कौन है? अगर आप हाजिर हो तो रात के 3-3 बजे तक फोन पर गैर महरम लड़कियों से बात कौन कर रहा है? अगर आप हुजूर के नाम पर हाजिर हो तो ये मोबाइल में जिना कौन देख रहा है? याशी की तहलीज पर कदम किसने रखा है? अगर आप हाजिर हो तो ये माँ बाप की नाफरमानी कौन कर रहा है? अगर आप जो है हाजिर हो हुजूर के हुक्म पर तो ये माँ बाप की आंखों में आंसू क्यों है? ये बेटियां परेशान क्यों है? ये पहले रोती और सशक्ती बिलकती क्यों जाती है? ऐ मेरी कौम के जवानों कम से कम हुजूर की बारगाह में कहो हम हाजिर हैं, तो अहदे वफा करो, झूठ ना बोलो, वादा करो हुजूर की बारगाह में सच्चा वादा करो या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं तो हाजिर हैं। और कैसे हाजिर हैं? देखो दुनिया में जिन्होंने रसूल अल्लाह से अहदे वफा किया उनका हाल ये था। आज मेरी कौम के जवान घर में रह के घर का बिस्तर नहीं छोड़ते मस्जिद में जाने के लिए, मगर जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहदे वफा किया, अहदे वफा कैसा अहदे वफा? यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिहे आलम, मोहब्बत फातिहे आलम, मोहब्बत फातिहे आलम। जिहादे जिंदगानी में यह मोमिन की शमशीरें, जिन्होंने रसूलुल्लाह से अहदे वफा किया उनका हाल ये था। वो बिस्तर पर थे, शादी की रात है, हंजला की साथ है, मगर रसूलुल्लाह के फरमान पर हंजला ने शादी की रात में बिस्तर छोड़ा है, फूलों की सैर छोड़ी है, औहद के मैदान में गए, शहीद कर दिए गए। मेरे नबी ने फरमाया हंजला को फरिश्तों ने जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। अहदे वफा ये है, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे मस्जिद जाने के लिए। कौन कौन वफादार रसूल, कौन मुहिब्बान रसूल, कौन रसूलुल्लाह के नाम पे और मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले? हजरत हंजला शादी की रात, कौन सी शादी की रात? बीवी आ गई है, बीवी के पास है, फूलों की सेज पर है, कानों में आवाज आई पैगंबर ने बुलाया है इस्लाम के दुश्मन हमला करने वाले मदीने पर चलो, दौड़ते गए सहाबा के दरमियान चले गए और जाने के बाद दुश्मना ने इस्लाम से लड़ते हुए शहादत का जाम नोश किया। मेरे नबी से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ी देर हो गई हंजला की लाश मिलती नहीं है। उसके बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह लाश मिल गई है मगर शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, मगर हम देखते हैं अल्लाह अकबर हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हंजला जब आए थे बीबी के पास से गुस्ल की हाजत थी, इसलिए फरिश्ते ले गए हैं जन्नत के पानी से गुस्ल दे के लाए। गौर कीजिए, जब एक आशिक का अंदाज इतना हो जाता है तभी तो दुनिया पुकार के कहती है आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक बनो तो सही, तुम्हें अंदाजा भी नहीं दुनिया के लोग जब आशिक बनते हैं, जब इश्क उनके सीने में होता है तो अल्लाह किसी को जुनैद बगदादी बनाता है, किसी को बिशर हाफी बनाता है, किसी को अबुल हुसैन नूरी बनाता है, किसी को इमाम मूसा कासिम बनाता है, किसी को वक्त इमाम अहमद बिन हंबल बनाता है। आपको अंदाजा भी नहीं कोई गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया के सामने कहता है ऐ लोगों इस सब की जिंदगी अगर चाहते हो तो मुस्तफा की नालायन को उठाकर अपने सर का ताज बना लो, जो मुस्तफा की नालायन को सर का ताज बनाएगा वो तो दुनिया में भी इज्जत वाला रहेगा, इंशाल्लाह कयामत के मैदान में भी इज्जत वाला रहेगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा, शान गौसे आज़म, मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब नाज़री, मुसलमान राघोपुर बरेली शरीफ, गुलामान आला हजरत कमेटी, सुभान अल्लाह। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, जवानों आशिक बनो तो सच्चे आशिक, हुजूर के गुलाम बनो तो सच्चे गुलाम, अहदे वफा करो हुजूर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक हमारे जमीर को झंझोड़ा और कहा, जवानों आओ, तुम दबो नहीं, तुम डरो नहीं, तुम झुको नहीं, तुम छुपो नहीं, तुम भागो नहीं, मैदान न बदलो, तुम्हारा हाल ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है पसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, वो काली रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज जब मुल्क हिंदुस्तान में नामूस रिसालत का मसला, कितने मेरी कौम के जवान ऐसे थे जाके घर में बंद हो गए, कहीं ऐसा ना हो नामूस रिसालत के नाम पर मेरे नाम पर एफआईआर दर्ज हो जाए, मेरा नाम आ जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ए मेरी कौम के सपूत, ए मेरी कौम के नाम, तेरा हाल ये था, तेरा नाम ये था, टल सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पास शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलम पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते होते तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं हुजूर की आशिकों की तारीख है। आशिक हो तो आशिक बनो, अपने सीने से बुजदिली को निकाल दो, पर याद रखो अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना है तुम्हें और छुप जाओ, नहीं साहब यहां हालात खराब है, दूसरे शहर में चले जाएं, दूसरे मुल्क में चले जाएं। कुरान ने क्या कहा जानते हो, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة, दुनिया के किसी कोने में किसी महल में कहीं जाकर छुप जाओ, मौत तुम्हें पा लेगी, मौत से छुटकारा नहीं है। लेकिन इसके बाद ऐलान ये भी कहा गया, मगर सुनो सुनो, इذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون, मगर मौत किसी के चाहने से नहीं आएगी, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी, अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त जो मुकर्रर कर दिया है उसी पर मौत आएगी। हमने सहाबा को यहाँ तक देखा, जंग के मैदान में है, तलवार लग गई है, घसीटे जा रहे हैं, दूसरे सहाबी को बुला के कहते और रसूलुल्लाह के जानिसार मुझे खींच के मुस्तफा के कदमों में डाल दे, ताकि दुनिया के सामने कहता रहो या रसूल अल्लाह दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। वो कहते थे मैं मरने वाला तो हूँ, मौत तो आनी है, दुनिया से तो जाने है, क्या ही अच्छा हो कि ये मौत मुस्तफा के कदमों में आ जाए, क्या ही अच्छा हो कि मौत मुस्तफा के कदमों में आ जाए। कितने जान इशारे से हैं, उठाइए हुजूर की जिंदगी को, गजबात उठा कर देखिए, वो जंग जिनमें मेरे नबी ने शिरकत फरमाई है, कितने सहाबा ऐसे हैं, तलवार लग गई है, गर्दन कट गई है, सांस चल रही है, सिसक रहे हैं, दुनिया से जाने वाले हैं, दूसरे से कहते हैं एक एहसान कर, दुनिया से जाने जाते जाते एक एहसान कर दे, क्या चाहते हो, कहा मुझे खींच कर हुजूर के कदमों में डाल दे, क्या करोगे, कहा मैं अपने लबहाए मुबारका को हुजूर के तलवों से लगा दूंगा, हुजूर के तलवे चूमता रहूंगा, मौत आती रहेगी जाता रहूंगा, जब मैं इस अंदाज से जाऊंगा तो मुझे इस पूरी जिंदगी फख्र होगा कि मैं जब रहा तो हुजूर का गुलाम बन के रहा, हुजूर के कदमों में जान देकर आया हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो, अल्लाह ने मौत का वक्त तुम्हारे लिए मुतय्यन कर दिया है, अपने दिल से डर निकाल दो, खौफ निकाल दो, और कुरान ने यहां तक कहा जब तक तुम दुनिया से डरते रहोगे, याद रखना दुनिया तुम्हें डराती रहेगी, हमारा दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है, एक खौफ इसमें जमा कर लो, एक खौफ इस दिल में डाल लो, सिर्फ वो अल्लाह का खौफ हो, वो परवरदिगार का खौफ हो, और खुदा से इतना डरो इतना डरो इतना डरो कि निडर हो जाओ, फिर दुनिया तुम्हें डरा ना सके, दुनिया तुम्हें दबा ना सके, दुनिया तुम्हें घुमा ना सके, दुनिया तुम्हें पैरों के नीचे दबा ना सके। आज दुनिया यही तो सोच रही है, 1400 साल से आज तक यही सोचा गया। आपको मालूम है जब बद्र का मारका हुआ तो अबू जहल आया था शराब के मटके लेकर,
शराब के मटके लेकर, नाचने वाली औरतें लेकर, बड़े सीरत इब्ने हिशाम मदारिज नबूवा मआरिज नबूवा अल्लामा पीर करम शाह ज़री की सीरत ज़ियाउन नबी पढ़िए, नाचने वाली औरतें शराब के मटके। लोगों ने कहा इतना साजो सामान, इतना साजो सामान। कहा अभी 313 ये कमजोर लोग हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब मिलकर 313 हैं, थोड़ी देर में इनका नामो निशान मिट जाएगा, फिर जाके हम बद्र की सरजमीन पर बाज़ाब्ता मुजरा करेंगे, नाचेंगी हमारी औरतें, गाने गाए जाएंगे, शराब पी जाएगी, ऊंट सेवा किए जाएंगे और बाज़ाब्ता खाने खाने जाएंगे। इरादा घर से करके इस्लाम के दुश्मन निकले थे, आज तो इस्लाम मिटा देंगे, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया पुकार के कहती थी फानूस बन के जिसकी हिफाजत अबा करे वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो भरेगा। दुनिया ये सोच कर आई थी इस्लाम का नाम मिट जाएगा, मगर दुनिया ने देखा सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह लड़ने के लिए तलवार नहीं, पैगंबर ने कुचूर की लकड़ी उठाई दे दी, ले जाओ। मौजूदा दौर में कोई वहाबी होता एतराज कर देता, मगर वो वहाबी नहीं सहाबी थे, वो सहाबी थे, वो जानते थे पैगंबर की जबान से निकला है और पैगंबर की जबान की शान ये है, जो शक को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शक है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो खुदा की रहमत चाहते। तलवार नहीं दी मेरे नबी ने, लकड़ी दी, लेकर मैदान में गए, थोड़ी देर में वापस आए, कहा या रसूलल्लाह अब हालात ये हैं, हम दुश्मन के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही वो जहन्नम में पहुंच जाता, पहले ही हमें कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेजे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। आज हमारे यहां होता क्या है, जब हुजूर की इज्जत की बात आती अब तरह तरह की राय आती सामने, कोई कहता नहीं साहब इज्तिमाई बद्दुआ कराइए, कोई कहता है दुआ कराइए, कोई कहता है हजरत दुआ कराइए हालात बेहतर हो जाएं। हालात के लिए जब मेरी कौम को खड़ा होना चाहिए तब मेरी कौम बैठ के बुजदली दिखाती हुई तस्बीह पढ़ के दुआ करती है। अरे तुम्हारी दुआ के पैगंबर की दुआ से ज्यादा अजमत वाली है, जिस पैगंबर की दुआ की शान यह है। जुमे के दिन मेरे नबी किताब में बाबुल इस्तिस्का बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह का पैगंबर जुमे के दिन खुतबा देता, आने वाले ने आके कहा या रसूल अल्लाह जानवर हलाक होने लगे दुआ फरमा दे, मेरे नबी ने दुआ फरमाई है हाथ गिराए नहीं है, अल्लाह ने बारिश को पहले नाजिल फरमा दिया है। ये शान है उस पैगंबर की दुआ की, मगर जब इस्लाम की सरबुलंदी की बात आई है तो मेरे नबी ने मदीना छोड़कर मैदान में आए हैं और कयामत तक के लोगों को मेरे नबी ने पैगाम दिया है, कदम जब तुम उठाकर बाहर निकालोगे कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा की रहमत का काम। हम कदम उठा ही नहीं रहे हैं, कदम नहीं उठा रहे, हमारे यहाँ हर चीज का इलाज तस्बीह में है। हालात खराब में तस्बीह पढ़ो, मसाइल उलझे हुए तस्बीह पढ़ो, हुजूर के नबी हुजूर की शान में गुस्सा क्यों नहीं साहब हालात अच्छे नहीं। ये जो लोग हालात का रोना रो रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1400 साल के जमाने में कोई एक साल बताओ जिसमें हालात अच्छे रहे हो, कोई ऐसा वक्त बताओ जहाँ हालात अच्छे रहे हो। आज तो हालात बहुत अच्छे हैं, उस जमाने में रसूलुल्लाह के सहाबा पेट से पत्थर बांधते थे, उस जमाने में रसूलुल्लाह के सहाबा को पीने के लिए पानी नहीं था, इस परेशानी से दौर से गुजरने के बाद अल्लाह के महबूब ने जानिसारों की ऐसी तरबियत फरमाई थी वो सब कुछ गवारा कर सकते थे, ना तो पैगंबर की शान गुस्ताखी गवारा कर सकते थे, ना इस्लाम की झंडे को गिरता हुआ देखकर गवारा कर सकते थे। आज हर इंसान दावेदार इस बात का है मैं हुजूर का गुलाम हूं, तो याद रखिएगा या तो गुलाम का मतलब समझ लीजिए, या तो आशिक़े रसूल का मतलब समझ लीजिए, या अपने आप को आशिक़े रसूल कहना छोड़ दीजिए। इसलिए ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी, हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया दोरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौम या फिर संग हो जा, ये नहीं आशिक रसूल भी है और हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए चैन से खाता भी है पीता भी है। मैं कहता हूँ जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए उसे चैन की बिस्तर पर नींद नहीं आएगी, कभी चैन से सोएगा नहीं, बेकरार हो जाएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज हमारे 60-60 साल के लोग कितने 60 साल के लोग
हमारे नौजवान जब ऐसे मौके पर इकट्ठे होकर जाते हैं अपने बुजुर्गों के पास, हालात ऐसे हम क्या करें, तो हमारे बुजुर्ग दबा देते हैं, नहीं साहब खामोश रहिए, हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। देखो तुम जवान हो सलामत हो, बद्र में देख लो दो बच्चे हैं। कौन है? दो बच्चे कहाँ आए? अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, और कहा ये बताइए इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल कौन सा है? उन्होंने ताज्जुब से देखा, इतने छोटे छोटे बच्चे घोड़ों की टांगों के नीचे से निकल जाए, इतने क्या करोगे? उन बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, इश्क देखो जुनून देखो मोहब्बत देखो जज्बा देखो जाबाजी देखो बेदारी देखो निस्बत देखो हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा देखो। छोटे छोटे बच्चे ये नहीं कह रहे जमीन दबानी है, कहते कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, हम उसे जहन्नम में इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करता है, जाति लड़ाई कोई भी नहीं है। आज कितने लोग हैं गैरों के यहाँ रिश्ते भी कर रहे हैं शादियां भी कर रहे हैं, कहते नहीं सब हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, अरे तुम्हारा इख्तलाफ नहीं है, जाने कायनात से इनका इख्तलाफ है, सरवरे कौनो मका से इनका इख्तलाफ है, सादिको बस्तूर पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते हैं, डॉक्टर इकबाल ने मिजाज दिया, ए कलमा पढ़ने वालों दुनिया की आंखों में आके डाल के कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, आशिक आशिक बनिए। छोटे छोटे बच्चे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कह रहे हैं मुझे बड़ा ताज्जुब है, इतना बड़ा लश्कर अबू जहल के साथ हिफाजत का पूरा दस्ता लगा हुआ है और बच्चे कह रहे हैं बस पता बताइए। तो मैंने उन बच्चों से कहा अबू जहल तो सामने है लेकिन चारों तरफ उसके एक बहुत बड़ा फौजी दस्ता लगा हुआ है, उस तक पहुंचना आसान और मुमकिन नहीं। हफीज जालंधरी साहब ने इसको अपने अंदाज में कहा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, तो इन बच्चों ने मुस्कुरा के कहा यह दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला अगर चार दिन जिंदा भी रहे मगर कुत्तों से बुरी मौत आती है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों की हमने 1400 साल का जमाना देख लिया, जिंदा वही है जो नामों से रिसालत का पहरेदार है, जिंदा वही है जो मुस्तफा का आशिक है, जिंदा वही है जो मुस्तफा का दीवाना है, बड़े फखर के साथ कहते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा, हुजूर की शान और हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले कल भी जिंदा थे आज भी जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और आपको मालूम है जिंदगी कैसी, जिंदगी कैसी, हुजूर की शान आज मुझ जैसे हकीर इंसान को हिंदुस्तान के कोने कोने पर बुलाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं, तहदीसे नेमत के तौर पर बता रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ये इज्जत मेरे बाप दादा के तारुफ की वजह से नहीं, मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूँ जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया, और जब मुस्तफा की गुलामी मिल गई है तो हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जो लोगों ने हमें इस सोफे पे बिठाया है, ये जो हमें इज्जत दी है, ये जो हमें शान दी है, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर थी हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगते थे गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हुजूर के बनके तो देखिए, हुजूर के गुलाम बनके तो देखिए, हुजूर के आशिक बन के तो देखिए, हुजूर के दीवाने बन के तो देखिए, जो मुस्तफा के तन से लगा है वही जर्रा आफताब महताब बन के चमका है। कौन अमर कौन उमर? अचानक एक दिन उनकी आंखों में आंसू आए, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर रोने की वजह क्या है? मां सबब बुकाइका या उमर, उमर
रोने की वजह क्या है? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, एक वो दौर था जब खत्ताब का बेटा वालिद के हुक्म से चंद बकरियां जंगल में लेके जाता था, तो उमर से चंद बकरियां संभाली जाती थी, चंद ऊंट लेकर जाता था, वो संभाले नहीं जाते थे, कोई इधर जाता कोई उधर जाता, कोई इधर जाता कोई उधर जाता। मगर आज मुझे आंखों में आंसू इसलिए हैं, ये मुस्तफा की निस्बत है कि खुदा ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई है उमर को। और उमर की शान ये है, उमर का नाम सुन लेते हैं तो कैसर व किसरा के जिस्म के बाज़ाब्ता रोंगटे खड़े हो जाते हैं उमर का नाम सुन के। कौन उमर? जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, लव काना बादी नबीय्युन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। कौन उमर? जिनकी शान ये है, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे उमर को देख लेता है तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। कौन उमर? जिनकी शान की है, अल्लाह की इज्जत की कसम, उमर दुनिया में रहे तो मुस्तफा के पहलू में रहे, और ये मुस्तफा की गुलामी का सदका है। एक तरफ सिद्दीक अकबर है, एक तरफ फारूक आजम है, जमीन पर थे तब भी दाएं पाएं थे, जमीन में है तब भी दाएं पाएं है। अल्लाह ने जुदा न किया, जो मोहब्बत करने वाले हैं वो जमीन पर भी साथ रहते हैं, मोहब्बत करने वाले हैं वो जमीन में भी साथ रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने गौसे आज़म, मुफ्ती साहब बहुत अच्छे माशाल्लाह, हुजूर के सच्चे गुलाम बने। मेरी पूरी तकरीर का दार मदार इस बात पर है, मेरी कौम के जवानों, हुजूर से अहदे वफा करो। तुम आशिक अपने आप को कहते हो तो सच्चे आशिक बनो, अपने आप को गुलाम कहते हो तो सच्चे गुलाम बनो। अगर तुम्हारी एक वक्त की नमाज छूटती है तो जरा गौर कर लेना, तुमने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था वो तुमने सच करके नहीं दिखाया। कभी शराब के ठेके की तरफ तुम्हारे कदम जाए तो जरा महसूस कर लेना, तुमने लब्बैक का नारा लगाया था मगर तुमने उसे गलत साबित कर दिया। अगर मोबाइल में अगर तुम जिना के मनाजर देखते हो तो याद कर लेना, तुमने लब्बैक के वादे पे अमल नहीं किया। माँ बाप के शान में बुलंद आवाज से बात करते हो, गुस्ताखी करते हो तो तुमने लब्बैक के नारे का हक अदा नहीं किया। याद रखो, खुदा ने तुम्हें इन आंखों में नूर जिना देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है, काबे का मंजर देखने के लिए दिया है। अपनी आंखों को साफ करो और वही कहो जो बरेली ने हर जमाने में कहा, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बार आंखों में। वक्त जो शरिया अपने अंदाज में कहता है, या रसूल अल्लाह हमारी मोहब्बत का हाल ये है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। गुलाम बनो, गुलाम मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनो, हुजूर के वफादार बनो, वफादारी का मिजाज अपने सीने में कूट कूट कर पैवस करो। जिस दिन मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओगे, दुनिया के किसी कुत्ते में इतनी हिम्मत न होगी कि मेरे नबी की शान को गुस्ताखी कर दे। तुम पहरेदार तो बनो, तुम वफादार तो बनो, तुम सच्चे आशिक रसूल तो बनो। दुनिया ने हर जमाने में तुम्हें खरीदने की कोशिश की, हर जमाने में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, अगर मैं सुनाऊं एक लंबी तफसील है। हर जमाने में लोगों ने हमें खरीदने की कोशिश की, मगर हम कहते हैं लोगों हम बहुत कीमती हैं, बोली ना लगाओ, हमने सौदागरान में अपना सौदा कर दिया है, हमने मोहल्ला सौदागरान में अपना सौदा कर दिया है, अब हमारी बोली ना लगाओ। और दुनिया जब तुम्हारे सामने आए, दुनिया को ठोकर मार के कहो, ऐ दुनिया वालों याद रखना, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन ये मिजाज पैदा कर लोगे, तुम्हारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हें याद नहीं, इमाम अहले सुन्नत अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं, तीन मुसलमान नौजवानों को ईसाइयों ने पकड़ा था, अपने बादशाह के पास ले गए और उसने कहा तुम्हारी जान जाएगी वरना इस्लाम छोड़ दो। तो जवानों ने कहा गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। उसने कहा जैतून का तेल खोला कर गर्म करके डाल दिया जाएगा, जैतून
का तेल गर्म किया गया, बड़े भाई को बुलाया जला दिया, दूसरे को बुलाया जला दिया, एक तीसरे को बचा लिया गया। कहा ये जवान अभी ज्यादा समझदार नहीं, लिहाजा इसके ईमान को मुतजलजल किया जा सकता है। रात के अंधेरे में काल कोठरी के अंदर एक लड़की को सजा सवार कर भेज दिया गया, कहा जा इसका ईमान खराब कर दे। मतलब दुनिया ये सोच रही थी कि मुसलमान भी शराबो शबाब के नशे में अपना ईमान खराब कर देंगे, मगर दुनिया ने देखा एक दिन दो दिन बीस दिन पंद्रह दिन पच्चीस दिन, इमाम अहले सुन्नत फरमाते चालीस दिन गुजर गए, मगर उस जवान ने उस लड़की की तरह एक नजर उठा के नहीं देखा। जो इस्लाम छुड़वाने आई थी वो खुद इस्लाम से मुतासर हो गई है, अब इंतजार में है, ऐ जवान जरा मेरी तरफ देख ले और कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दे। उस जवान से जब चालीस दिन गुजरे थे तो उस लड़की ने कहा था ऐसा कौन सा चेहरा ऐसा कौन सा जल्वा तेरी निगाहों के सामने है कि एक नजर मेरी तरफ देखना कमा रही है। तो जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों में आई है, जुल्फ देखी है कि नजरों में कटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा नारे रिसाल सुल्फ देखी है कि नजरों ने खता देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो तेरे हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। अल्लाह के इज्जत की कसम ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए और उसकी आजादी के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी लश्कर जल्लाद को लेकर आए थे, तो पादरियों ने कहा था हम एक बाजार से तुम्हें गुजारेंगे, अगर तुम्हारे जवान सलामती के साथ गुजर जाए तो चाबी तुम्हारे हाथ में दी जाएगी। और जिस बाजार से गुजारा है नंगी लड़कियां तैयार करके खड़ी कर दी। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अपने लश्कर से ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखना मेरे मुस्तफा ने कहा जब रोड पे चलो तो नजर नीची करके चलो ताकि दुनिया जान ले ये कौन जा रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। आज मुसलमानों चलो तो इस अंदाज में चलो दुनिया के कहने पे मजबूर हो जाए। जब 1400 साल के बाद गुलामों का हाल यह है तो 1400 साल पहले महबूब की जात कैसी होगी, महबूब का अंदाज कैसा होगा। सच्चे गुलाम, सच्चे वफादार, और कैसे वफादार, कैसे वफादार। या रसूल अल्लाह जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। मोहब्बत उसी से की जाएगी जो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, और जो मुस्तफा की नालेन को अपने सर पर नहीं रखेगा उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मौत का डर अपने दिल से निकालो, बहादुर बनो इसलिए कि तुम बहादुरों की औलाद हो। तुम्हें मालूम है रंगून की जेल में जब बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के कटे हुए सर पेश किए गए और कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। ये किरदार किसी और का नहीं कलमा पढ़ने वालों का था। जब टीपू सुल्तान से एक जो है जमात ने कहा, बुजदिलों की एक टीम ने कहा अंग्रेज तेरे महल में आ गए हैं, बेहतर ये है कि तलवार उनके कदमों में डाल दे, हो सकता है तुझे तेरे ऊपर रहम करके तेरी जान बख्श दे। सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है टीपू सुल्तान का वो जुमला। टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक की जिंदगी गीदर की सौ साल जिंदगी से बेहतर है, मेरी मां ने जिंदगी में कभी बगैर वजू के मुझे दूध नहीं पिलाया है। जान दी जा सकती है मगर गैरों के कदमों में सर नहीं रखा जाता। ये तेवर कलमा पढ़ने वाले के थे। और आपको मालूम है आखिरी जुमला कहता हूं हजरत सैयद शबाब ने साफुल्ला भी अभी मैं इनके साथ बल्कि बगदाद शरीफ में था, हमारा कई दिन का सफर था, वहां एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे बार बार उनके वो तेवर याद आते हैं कि खलीफा वक्त ने अपने दरबार में बुलाया और मजाक मनाना चाहता था। आप कहते आलीशान जूते पहनकर उसने लोगों के सामने कहा भरा दरबार है कहा ऐ लोगों देखो ये मुस्तफा की औलाद है मगर पैरों में आलीशान जूते पहनकर आए हैं। हजरत इमाम मूसा काज़िम के तेवर बदल गए, तेवर बदल कर कहा ओ ज़ालिम हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, ताकि तुम
چشموں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے تو اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ ہم عالیشان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم چشموں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کہاں ہے تمہارے تیور، کہاں ہے تمہارا انداز، کہاں ہے تمہاری وفاداری، کہاں ہے تمہارا عشق رسول؟ آؤ عہد کرو، ہم جیئیں گے تو حضور کی محبت میں، ہم مریں گے تو حضور کی محبت میں۔ ہماری زندگی حضور کی نافرمانی میں نہیں گزرے گی، ہماری زندگی گزرے گی تو مصطفیٰ سے وفا کرنے میں، اور دنیا سے یہی کہیں گے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا اس محبوب کی شان یہ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامنے کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ خادم حسین رضوی سے کہا گیا تھا ہم نے آپ کے خلاف بہت ساری ایف آئی آر درج کی، کہا اب فیصلہ کر لیا جائے، کہ کوئی نہیں، ایف آئی آر کی ساری کاپی میرے جنازے میں رکھ دینا، قیامت کے دن فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگا، بارگاہ رسول میں ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، کم سے کم حضور سے اتنا عشق کر کے جاؤ، اتنا مضبوط رشتہ جوڑ کے تو جاؤ، قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پکار کے کہے اے میرے غلام انا لہا انا لہا، پریشان نہ ہو، میرا امام کہتا ہے سنتے ہوئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، لوچک تو بنائی ہے، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصور کے علاقہ اب تیری دعائی ہے، وقت امام نے جب مدینے میں مصطفیٰ کا چہرہ زیارت کی ہے، دیکھنے کے بعد کہا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے عہد کیجئے یا رسول اللہ، زندہ رہیں گے آپ کے نام پر، قبر میں جائیں گے آپ کے نام پر، حشر رہیں گے آپ کے نام پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سہون کوئی خطا یا لفظ شوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔